बदायूं शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के विवेक विहार कॉलोनी में शहर के जाने माने व्यापारी उमेश जनरल स्टोर के मालिक के घर में दिन दिहाड़े लूट के इरादे से घुसकर व्यापारी की पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारे को बदायूं पुलिस ने लूट के 20 लाख रुपए समेत घटना के कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 14 अक्टूबर की शाम लगभग 4 बजे करीब उमेश जनरल स्टोर के मालिक के घर में घुसकर हत्यारे ने लगभग 20 लाख रुपए की लूट की और व्यापारी की पत्नी को भी मौत के घाट उतारकर फरार हो गया। जिस समय घटना को अंजाम दिया जा रहा था, मृतका अरुणा रस्तोगी घर में अकेली थी। उनके पति उमेश चंद्र और बेटा दोनों घर से बाहर थे। देर शाम जब काम करने वाली घर में आई तो उसने घर खुला देखा और मालकिन को लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा देखा। हत्या की खबर पर शहर के तमाम व्यापारी और पुलिस के आला अधिकारी और अफसर मौके पर पहुंच गए और घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच के दौरान व्यापारी के दुकान पर काम करने वाले शिवम पुत्र राधेश्याम निवासी खेड़ा बुजुर्ग से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने लूट के उद्देश्य से हत्या करने की बात कबूल करते हुए बताया कि उसे पहले से ही 20 लाख रुपए घर में रखे होने की जानकारी थी और कम समय में अमीर बनने की लालसा में उसने लूटने के बाद हत्या की घटना को अंजाम दे दिया। तो पैसे कहाँ से बरामद हो गए तुम पे? बरामद हुए थे 20 लाख रुपए तुम पे घर पे रखते हो? किस चीज से मारा तुमने? मतलब तुमने घटना को अंजाम तो दिया है, कोई गलती हुई पता नहीं, ऐसे सब कुछ कैसे हो गया? 20 लाख रुपए कहाँ से ले जाकर रखे तुमने घर पे अपने? अच्छा, इन दोनों में मर्डर करने में आपका सहयोग किया है? ये रस्तोगी जी हैं जो यहाँ पे कपड़े के व्यापारी हैं। इनके घर में उनकी पत्नी अकेली थी, उनके घर में उनकी हत्या हुई थी। घटना के कारण किसी को पता नहीं थे, उनको खुद भी पता नहीं था इसमें। इसके बाद इसमें छानबीन की गई और सीसीटीवी वगैरह फुटेज देखे गए आसपास के लोगों के भी। उसमें एक व्यक्ति संदिग्ध मिला जिसकी पहचान हुई, वो इनकी दुकान पर काम करता है। इनकी दुकान पर वो काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, इनका लेन देन का काम भी वही करता है, बैंक में वही जाता है। उसे पता था कि घर में उस दिन महिला अकेली है, आया उसने इनको मार दिया, मार से पैसे लूट के ले गया था। ये बात भी इसने खुद बताई, जब पकड़ गया सीसीटीवी फुटेज का आधार पर इसने बताया, इससे पूछा तुम क्यों मारा, तो इसने बताया पैसे लिया है वहाँ से। तब फिर सेठ जी ने अपने घर पर पैसे देखे तो पैसे नहीं थे, गायब थे उनके पैसे, तो उनको पता चला कि हम पैसे लेकर चला गया। ये घटना इसने उनकी हत्या करके लूटकारित की है, लूट का पैसा बरामद हो चुका है। और सर कितना पैसा बरामद किया? इसमें जितना लूटा गया था पूरा पैसा बरामद हो चुका है और इसमें विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। इसने पैसा जहाँ रखा था वो स्थान जिनके पास रखा था वो लोग पकड़ में आ गए हैं, उनको इसमें आदेश दिया था मैं पैसे दूंगा, वो भी पकड़ गए हैं और इनके विरुद्ध कार्रवाई की। सर हत्या करने में एक ही आदमी था या फिर ये अकेला आदमी था? उनको घर में जाने में अकेला आदमी था और ये पैसा लेके गया तब इसने उन्होंने रखा है। सर अमाउंट कितना? 20 लाख रुपये थे। सर ये इसको क्राइम को कैसे किया था, मतलब धारदार हथियार से मारा था, क्या किया था सर? इसने चाकू से मारा है, चाकू बरामद हो गया है।